बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की खास खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है ओमान के लॉकडाउन के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो केसेज की तादाद है वो हाई होती जा रही है, तो इसके पेश नज़र अभी अभी ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला आया लॉकडाउन को लेकर। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान और दीगर सोशल मीडियाज के ऊपर ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए बता दिया गया है कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर नाइट जो मूवमेंट बैन है वो 8 तारीख से लेके 15 तारीख तक उसकी टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। जी, आप लोग देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि अब वो जो नाइट मूवमेंट बैन है वो 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा ऑल जो एक्टिविटीज है सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर कमर्शियल, वो बेशक दिन की हो बेशक रात की हो, वो 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बंद रहेंगी। जी, ये बहुत बड़ा फैसला है। ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए बता दिया गया कि ऑल जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बेशक दिन हो बेशक रात हो वो इसी तरह बंद रहेगी, और जो रात का लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक का। इसके अलावा ओमान स्प्रिंग कमेटी के जरिए फैसला है कि जो खाने पीने की जो चीज़ों की जो दुकानें हैं, जो मवाद गजाइया वगैरह की जो दुकानें होगी वो ओपन रहेंगी। फ्यूल स्टेशन वगैरह, पैरामेसी वगैरह, जो गैस के जो सिलेंडर वगैरह भरने की दुकानें, ये तमाम ओपन रहेंगी। बाकी जो तमाम चीज़ें वो बैन रहेंगी, बंद रहेंगी सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर। इसके अलावा होम डिलीवरी के हवाले से बताया गया है, जो होम डिलीवरी सर्विसेज हैं वो ओपन रहेंगी इसी तरह सल्तनत के अंदर, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा जो दोपहर का लॉकडाउन है वो इसी तरह बरकरार रहेगा 6 बजे से लेकर जो सुबह 5 बजे तक का चल रहा है। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के लॉकडाउन के हवाले से। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस वबा को, इस वायरस को जल्द अज्द खत्म करे, ताकि लोगों के मामलाती जिंदगियां, लोगों की परेशानियां वो हल हो सकें। तो राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।